विस्फोटक न्यूज के प्रायोजक हैं रेड प्रो रियल स्टेट डेवलपर्स। पश्चिम बंगाल के दार्जिलिंग में मालगाड़ी ने कंचनजंगा एक्सप्रेस को मारी टक्कर। दो लोको पायलट और एक गार्ड समेत अब तक 15 की गई जान, 60 घायल। रेल मंत्री ने 10-10 लाख रुपए के मुआवजे का किया ऐलान। रेल हादसे पर रेलवे बोर्ड के अध्यक्ष एवं सीईओ जया वर्मा सिन्हा का बयान, शुरुआती जांच में मानवीय भूल या सिग्नल की अनदेखी को बताया कारण। कहा, कवच को पश्चिम बंगाल के लिए योजनाबद्ध तरीके से विस्तारित करने की जरूरत। दिल्ली जल संकट के बीच आप सांसद संजय सिंह का बयान, बोले दिल्ली में बीजेपी द्वारा प्रायोजित जल संकट जारी। कहा, बीजेपी चाहती है दिल्ली के लोगों को ना मिले पानी। ईवीएम पर विवाद के बीच चुनाव आयोग का स्पष्टीकरण, कहा ईवीएम अनलॉक करने के लिए नहीं लगता कोई ओटीपी। खुलासा करने वाले अंग्रेजी दैनिक को भेजा नोटिस। राज्यसभा सांसद कपिल सिब्बल ने चुनाव आयोग पर उठाया सवाल, कहा मुख्य चुनाव आयुक्त पक्षपाती, उनके बारे में कम बोलना बेहतर। देश भर में मनाया जा रहा ईद उल अजहा का त्योहार, दिल्ली की जामा मस्जिद सहित पूरे देश में अदा हुई ईद की नमाज, पीएम ने दी बधाई। पॉक्सो केस में आज सीआईडी के सामने पेश होंगे कर्नाटक के पूर्व सीएम येदियुरप्पा, कहा साजिश में जो शामिल है उन्हें लोग सिखाएंगे सबक। नीट परीक्षा में धांधली को लेकर सपा प्रमुख अखिलेश यादव ने बीजेपी पर साधा निशाना, कहा कहीं फिर से सरकार संरक्षित परीक्षा माफियाओं के लिए पैसा कमाने का जरिया न बन जाए। अग्निपथ योजना को बदलाव के साथ फिर से शुरू करने की खबर को सरकार ने बताया फर्जी, कहा भारत सरकार ने ऐसा कोई निर्णय नहीं लिया। जल्द आएगा द ग्रेट इंडियन कपिल शो का दूसरा सीजन, कपिल बोले नहीं कराएंगे लंबा इंतजार, 22 जून को आएगा पहले सीजन का आखिरी एपिसोड।